तापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। उनकी प्रशंसा के कारण देवताओं का राजा इंद्र उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। इसलिए जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया तो इंद्र ने उनका यज्ञ निष्फल करने के लिए यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। जब राजा सगर को ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश में चारों दिशाओं में भेज दिया। घोड़े को खोजते खोजते उन लोगों ने जब यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो कपिल मुनि को चोर समझकर उनका बड़ा निरादर किया। इस पर क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर एक ही क्षण में उनके शरीरों को जलाकर भस्म कर दिया। श्रापवश मारे जाने के कारण वो 60,000 जीवात्माएं अंतरिक्ष में भटकने लगी। तब नारद ने उन्हें एक उपाय बताया कि यदि गंगा जी को स्वर्ग से धरती और धरती से पाताल लोक तक लाया जाएगा तो पवित्र गंगा जल के स्पर्श से उन भटकती आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु सगर और उनके बाद कई पीढ़ियों तक कोई भी गंगा को लाने में सफल न हो सका। फिर